हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बन इकोसिस्टम की बोटिंग का क्या प्रोग्रेस है। तो चलिए सबसे पहले बन इकोसिस्टम में लॉग इन कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करके मैं डायरेक्टली पहुँच जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आज बन इकोसिस्टम के लीडर्स की क्या प्रोग्रेस है जो कंट्री बोर्ड के लिए अभी इलेक्शन चल रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आ गए हैं कोडे रामानैया करके, 304 बॉट्स से ये नंबर एक पर चल रहे हैं। नंबर दो पर है गोपाला कांति पाल, 118 इनकी बॉटिंग है। पोथरया पल्ली श्रीनिवासन 116 करके हैं। मूर्ति आर एस 99 करके चौथे नंबर पर है। मेडा बाला जगदीश 98 नंबर पर हैं। देखिए ये सब तो चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी ने अपने ईमेल में कहा है कि उनके पास 10 लोगों को सेलेक्ट करने का रहेगा टॉप के। तो हम 10 का ही जिक्र करते हैं। विवेक डानुकर 57 नंबर पर हैं। सत्याम सिद्धार्थ राज कप्पा 56 नंबर पर हैं। निप्पू कुमार 8वें नंबर पर हैं और बैनम नागेश्वर राव 9वें नंबर पर हैं। सैयद गौस पीर कादरी ये 10वें नंबर पर हैं। तो ये 10 लोग हैं जो कि टॉप 10 में अभी चल रहे हैं, जिसमें सबसे लोएस्ट है 38 वोटिंग और सबसे हाईएस्ट है 304 वोटिंग। अब देखिए इन 10 लोगों में से जैसा अभी तक का रिजल्ट है, कोई लगभग 5 या 7 लोग कंट्री बोर्ड के मेंबर बनेंगे। अब देखना ये है कि वो कंट्री बोर्ड का मेंबर बन के क्या आगे की रणनीति लेकर आते हैं, या वो भी जैसे अपने IGC मेंबर अभी बने हैं और केवल सोशल मीडिया पर अपने फ़ोटो शेयर कर रहे हैं, कुछ वैसा ही करेंगे। तो यहाँ पर जो भी लीडर्स बन रहे हैं उनकी नीति शुड बी वेरी क्लियर। वे कुछ काम करना चाहिए या फिर काम के बारे में लोगों को बताना चाहिए उन्हें कि भाई हम कर क्या रहे हैं, हम एज ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन क्या जिम्मेदारी हम लेकर यहाँ पर बैठे हैं, हमें करना क्या है। केवल सोशल मीडिया पर यूज़फुल इंफॉर्मेशन देने से ही काम नहीं चलेगा, आपको फील्ड में भी उतरना पड़ेगा, यानी कि लोगों को ट्रेंड भी करना पड़ेगा कि इस तरीके से काम करेंगे तो आगे चलकर कुछ बेनिफिट सभी को मिलेगा, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। और वोटिंग अभी चल रही है तो देखते हैं कौन सा लीडर क्या ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करता है और चीज़ों को पॉजिटिवली दिखाता है। तो वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।